तो गाइस कुछ टाइम पहले या फिर कुछ हफ्तों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसके अंदर मैंने आपको दिखाई थी फ्री फायर की गोस्ट आईडी। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी मैं कोई गोस्ट आईडी वाली वीडियो अपलोड करता हूं तो वो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होती है। उन वीडियोस के अंदर मैं आपको फ्री फायर के कुछ ऐसे आईडीज दिखाता हूं जिसके अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मल चीजें हैं या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं, जिस वजह से हम लोग उनको बोलते हैं फ्री फायर की गोस्ट आईडीज। तो ये जो वीडियो है वो हमारी गोस्ट आईडी वाली सीरीज का एक पार्ट है। अब क्योंकि ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये हमारी गोस्ट आईडी वाली सीरीज है, तो ये वीडियो थोड़ी डरावनी और स्केरी तो होगी। आज मैं आपको कुछ ऐसी गोस्ट आईडीज दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर आपको भी लगेगा भाई आईडी किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती, ये आईडी पक्का किसी एलियन या फिर किसी गोस्ट की है। लाइक अगर मैं आप लोगों से पूछूं फ्री फायर के अंदर आज तक आप लोगों ने कोई ऐसी आईडी देखी है जो कि एकदम न्यू आईडी हो, मतलब कि लेवल 1 की आईडी के अंदर किसी बंदे ने 70,000 बैजेस परचेस करे हो और फिर वो बंदा फ्री फायर में से एकदम गायब हो गया, मतलब किसी को भी ये चीज नहीं पता वो बंदा कौन था, वो गेम में क्यों आया और उसने इतने बैजेस परचेस क्यों करे और अब वो कहाँ है। तो अगर आप लोगों को भी ऐसी आईडीज देखने हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराया तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर अगर आप लोग नए हो या फिर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेना, हम लोगों को 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्दी कंप्लीट करने। चलिए गाइस अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑलराइट गाइस, यहां पर जो हमारी फर्स्ट आईडी आती है उसको भी आप लोग देख सकते हो। सो ये जो आईडी है ना गाइस बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस आईडी है। अब आप लोग सोचो कि भाई इस आईडी के अंदर मिस्टीरियस क्या है, ये तो कोई नॉर्मल सी आईडी है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा दूं गाइस इसके अंदर आप लोग अगर इसका नाम देखोगे ना तो इसका जो नेम है वो है आई विल किल यू, मतलब कि मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, ये चीज जो है इस आईडी पर लिख रखी है, इसका जो नाम है वही कुछ ऐसा है। अब यार ये जो आईडी का नाम है ना वही थोड़ी गोस्ट वाली वाइब्स देने लग गया है। लेकिन अगर हम लोग चले इस आईडी के अंदर तो इस आईडी के अंदर गाइस ऐसी एबनॉर्मल चीज है ना जिसकी वजह से मैंने इसको गोस्ट आईडी वाली लिस्ट के अंदर डाला है। तो अगर हम लोग आईडी को बाहर से देखेंगे तो यहाँ पर 3 लेवल है, 30 डेज से ये आईडी ऑफलाइन है, मतलब कि बहुत टाइम से इस आईडी से किसी ने भी नहीं खेला है। और आप लोगों को ये चीज तो पता ही गाइस, हमारे फ्री फायर में जितनी भी गोस्ट आईडीज होती हैं उनमें से 90% गोस्ट आईडीज ऑफलाइन होती हैं। बात तो सही है। अब अगर हम लोग इस आईडी को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को गाइस देखने को मिलेगा इस आईडी के अंदर 3 लेवल है एंड 800 लाइक्स हैं। अब आप लोग बोलोगे भाई 3 लेवल पर 800 लाइक्स कैसे हो गए, कैसे हो सकता है ये? तो चलो हम लोग मान लेते हैं भाई इस बंदे के जो बाहर से विजिटर्स आए होंगे जिन्होंने लाइक कर दिया, ठीक है समझ गया। लेकिन गाइस यहाँ पर अभी मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जिसके बाद में आप लोग भी एकदम शॉक होने वाले हो। तो सबसे पहले आप लोग देख लो इस बंदे का गाइस 3 लेवल है एंड अगर हम लोग चलते इस बंदे के ओवरव्यू में तो यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा भाई इस बंदे ने अपने लाइफ के अंदर एक भी गेम नहीं खेला है। देख सकते हो यहाँ पर सोलो में भी जीरो है, डुओ में भी जीरो है, स्क्वाड में भी जीरो है एंड अगर हम लोग चलते हैं क्लैश स्क्वाड के अंदर तो गाइस क्लैश स्क्वाड के अंदर भी इस बंदे ने एक भी गेम नहीं खेला है। अब ये चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है, अगर इस बंदे ने फ्री फायर के अंदर आज तक एक भी गेम नहीं खेला तो इस बंदे का लेवल 3 कैसे हो गया? ये गड़बड़ है बाबा। क्योंकि आप लोग बताइए फ्री फायर में अगर आप लोगों को लेवल पुश करना है तो आप लोगों को गेम खेलने पड़ते हैं, लेकिन इस बंदे ने तो बिना गेम्स खेले अपना लेवल 3 कर लिया। अब ये सब चीजों की वजह से भाई मुझे तो नहीं लगता ये आईडी किसी नॉर्मल बंदे की होगी, इसलिए ये आईडी आती है हमारी गोस्ट आईडी के अंदर, गोस्ट आईडी नंबर 4। तो गाइस हमारे लिस्ट के अंदर नंबर 4 पर जो हमारी गोस्ट आईडी आती है ये बहुत ही रेयर आईडी है, मतलब कि गोस्ट आईडी होने के साथ साथ इस आईडी के अंदर एक बहुत ही रेयर चीज भी है, तो वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें आईडी की तो यहाँ पर आपको देखने को लग सकता है कि ये आईडी जो है वो कोई नॉर्मल आईडी है, क्योंकि बाहर से देखने में आपको लगेगा 56 लेवल है। इस आईडी का नेम है Dent123 और ये बंदा बहुत टाइम से गेम में ऑफलाइन है। लेकिन अगर हम लोग आईडी को ओपन करते हैं तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इस आईडी के अंदर जो है 56 लेवल है एंड यहाँ पर अगर हम लोग बैजेस देखें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इस बंदे ने जो है सीजन 1 का इलाइट पास खरीद रखा है। यहाँ पर सकुरा के बैजेस हैं एंड उसके बाद में गाइस यहाँ पर हिप हॉप के बैजेस हैं, मतलब कि सीजन 2 के बैजेस हैं एंड बंडल्स के अंदर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सकुरा बंडल का मास्क, मतलब अगर ये बंदा गेम को अभी तक खेलता तो इस बंदे के पास गोल्डन सकुरा बंडल होता, लेकिन ये बंदा तो फ्री फायर को पहले ही क्विट कर चुका है। तो गाइस इसी चीज से रिलेटेड यहाँ पर एक मिस्ट्री आती है कि अगर इस बंदे को फ्री फायर लीव करना था तो आखिरकार इस बंदे ने सीजन 1 का इलाइट पास परचेस क्यों करा, पता नहीं। क्योंकि आप लोग देख सकते हो इस बंदे ने सीजन 1 में फ्री फायर को खेलना स्टार्ट करा, इलाइट पास लिया एंड उसके बाद में अगले सीजन के अंदर ही फ्री फायर को क्विट कर दिया। और मैं आप लोग बता दूं इस आईडी से रिलेटेड बस यही मिस्ट्री नहीं है, इसके अलावा भी यहाँ पर एक और मिस्ट्री है। अगर हम लोग चलते हैं इस बंदे के ओवरव्यू के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बीआर कैरियर के अंदर, मतलब की लाइफ टाइम में इस बंदे ने सोलो में खेल रखे हैं 76 मैचेस और डुओ के अंदर यहाँ पर है 270 मैचेस और स्क्वाड के अंदर तो इस बंदे ने ऑलमोस्ट 5000 गेम्स खेल रखे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। या। अब आप लोग सोचोगे भाई इतने ज्यादा गेम्स तो और भी बंदों ने खेले हैं, तो आखिरकार इसके अंदर गोस्ट जैसी क्या बात हुई? तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ये जो आईडी आप लोग देख रहे हो ना ये आईडी कुछ महीनों पहले ऐसी नहीं थी, अभी इस आईडी के अंदर कुछ चेंजेस आ चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं इस आईडी का कुछ महीनों पहले का स्क्रीनशॉट तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा
कुछ टाइम पहले इस बंदे की आईडी के अंदर 0 लाइक्स थे। मतलब जब से फ्री फायर के अंदर ये अपडेट आया ना कि हम लोग प्रोफाइल के अंदर से लाइक कर सकते हैं, तब से गाइस बहुत सारे बंदों ने इस बंदे की आईडी जो लाइक कर दी है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, कुछ टाइम पहले तक इस बंदे के 0 लाइक्स थे। तो अब यहां पर सवाल ये आता है कि अगर इस बंदे ने इतने ढेर सारे गेम्स खेले, 5000 प्लस मैचेस खेले, तो उसके अंदर एटलीस्ट इस बंदे को 2-3 हजार लाइक्स तो मिलने चाहिए थे ना। लेकिन इस बंदे के तो 0 लाइक्स थे। और तो और इस बंदे की आईडी के अंदर सकुरा बंडल भी था, जिस वजह से इस बंदे को और लाइक्स मिलते लेकिन यहाँ पर 0 लाइक्स थे। अब ये चीज फ्री फायर में पॉसिबल नहीं हो सकती, लेकिन ये आईडी के अंदर आपको ये चीज देखने को मिली थी। सो ये थी हमारी गोस्ट आईडी नंबर 4। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आईडी की ओर, गोस्ट आईडी नंबर 3। तो गाइस हमारी जो गोस्ट आईडी नंबर 3 आती है, ये भी एक बहुत ही खतरनाक आईडी है। तो आप लोग इस आईडी को अच्छे से देख लो। अगर आप लोग इस आईडी को बाहर से देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इस बंदे का जो 75 लेवल है, और ये आईडी भी बहुत टाइम से ऑफलाइन है। और मैं आप लोग बता दूंगा ये आईडी जो हमारे इंडियन सर्वर के अंदर जो है ओपन नहीं होगी, क्योंकि ये आईडी बाहर के सर्वर की है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें इस आईडी की, तो गाइस इस आईडी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 75 लेवल है और यहाँ पर 1000 लाइक्स हैं। एंड बैजेस अगर हम लोग देखते हैं तो गाइस बैजेस के अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देख सकते हो सभी चीज़ एकदम 0 हैं, यहाँ पर एक भी बैजेस नहीं है। रैंक भी इस बंदे की ब्रॉन्ज है। सो गाइस यहाँ तक आप लोगों ने आईडी को तो अच्छे से देख लिया है, लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसके बाद में आप लोग भी एकदम शॉक होने वाले हो। तो आप लोग सबसे पहले तो आईडी को देख लो यहाँ पर कितना लेवल है, 75। 75 लेवल करने के लिए एटलीस्ट इस बंदे ने भाई 10-15 हजार गेम्स तो खेले होंगे ना। लेकिन क्या होगा अगर मैं आप लोगों से बोलूं, हम लोग जैसे इस बंदे के स्टैट्स में जाते हैं तो गाइज यहां पर आपको सब कुछ 0-0 देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हो यहां पर मैं चलता हूं बीआर कैरियर के अंदर लाइफ टाइम में, इस बंदे ने जो सोलो के अंदर 0 गेम्स खेले हैं, डुओ के अंदर 0 गेम्स खेले हैं और स्क्वाड के अंदर भी 0 गेम्स खेले हैं। मतलब कि इस बंदे ने अपने पूरे लाइफ के अंदर फ्री फायर में एक भी मैच नहीं खेला, लेकिन इसके बाद भी इस बंदे का लेवल 75 है। अब आप लोग खुद सोचो भाई, इस चीज पर हम लोग कैसे बिलीव कर सकते हैं कि बिना गेम खेले किसी बंदे का लेवल 75 हो गया। भाई यहाँ पर मैं फ्री फायर को 5 साल से खेल रहा हूँ और अभी तक मेरा लेवल 70 नहीं हो पाया है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और इस बंदे ने बिना मेहनत करे बिना गेम्स खेले 75 लेवल कर लिया। और अगर हम लोग इस बंदे की यूआईडी भी देखते हैं ना, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इस बंदे की यूआईडी है 1000000222। मतलब कि जो यूआईडी है वो भी काफी खतरनाक है। तो अगर किसी आईडी के अंदर इतनी सारी एबनॉर्मल चीजें होंगी तो गाइस उसी को तो हम लोग बोलते हैं फ्री फायर की गोस्ट आईडी। तो आप लोग बताना आपको ये वाली आईडी कैसी लगी। एंड चलो इसके बाद में हम लोग बढ़ते हमारी नेक्स्ट आईडी की और, जो की होने वाली है गोस्ट आईडी नंबर 2। और गाइस यहाँ से हम लोग जो आईडी देखने वाले हैं वो बहुत खतरनाक होने वाली है, तो आप लोग आईडी को अच्छे से देखना। तो गाइस जो हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर गोस्ट आईडी आती है, इसके अंदर मैं आपको एक आईडी नहीं बल्कि दो आईडी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारी फर्स्ट आईडी। ये वाली आईडी को आप लोग अच्छे से देखो गाइस, आईडी का नेम है यहाँ पर कीकी और ये जो आईडी है वो बहुत टाइम से ऑफलाइन है। एंड अगर हम लोग आईडी को ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा आईडी के अंदर 14 लेवल है। एंड अगर हम लोग बात कर लें बैजेस की, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा इस बंदे ने हर सीजन के अंदर ऑलमोस्ट एक एक लेवल कलेक्ट कर रखे हैं बॉय पास के अंदर। तो गाइस ये चीज देखकर आपको शायद लग सकता है यार ये तो कोई नॉर्मल सी आईडी है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, इस आईडी की सबसे पहले तो आप लोग यूआईडी देखो। यहाँ पर जो यूआईडी है वो है 1000000003, जो कि बहुत यूनिक आईडी है। एंड अगर हम लोग चलते हैं इस बंदे के ओवरव्यू के अंदर, तो गाइस यहाँ पर जैसे हम लोग जाते हैं बीआर कैरियर में बैटल रॉयल के अंदर बीआर रैंक में, तो यहाँ पर आपको सभी के अंदर देखने को मिलेगा इस बंदे ने आज तक एक भी गेम नहीं खेला है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई सब कुछ एकदम 0-0 है। एंड अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो भाई सब कुछ एकदम 0 है, इस बंदे ने मतलब एक भी गेम नहीं खेल रखा है। लेकिन इसके बाद भी इस बंदे का 14 लेवल है, जो कि काफी अजीब बात है। एंड एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये तो गई हमारी फर्स्ट आईडी, लेकिन अगर हम लोग इस आईडी का जो लास्ट डिजिट है ना 3 की जगह 4 लगा दें, तो ये आप लोग देखो यहाँ पर एक और आईडी आती है जिसका नाम है कीकी 2। मतलब कि ऐसी बंदी शायद सेकंड आईडी हो सकती है। लेकिन गाइस अगर हम लोग इस आईडी को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है नेटवर्क इशू, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। भाई मैंने यहाँ पर अपना नेटवर्क चेक करा, यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इस बंदी की पुरानी आईडी चेक करते हैं तो ये जो आईडी है ना गाइस ये ओपन हो रही है, लेकिन जो वाली आईडी थी वो ओपन नहीं हो रही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, मिस्ट्री आती है आखिरकार वो जो आईडी है वो किस बंदे की है एंड आखिरकार वो ओपन क्यों नहीं हो रही है। और ये जो आईडी है ना ये भी कोई नॉर्मल आईडी नहीं है, इसके अंदर 14 लेवल है, लेकिन इस बंदे ने आज तक एक भी गेम नहीं खेल रखा है। और लाइक्स तो देखो यहाँ पर 71,000 है। तो इन सब चीजों के बाद मुझे तो लगता नहीं है भाई कोई भी बंदा इस आईडी को नॉर्मल आईडी बोलेगा। तो इसलिए गाइस ये आईडी आती है हमारी गोस्ट आईडी की लिस्ट में, गोस्ट आईडी नंबर 1। सो ऑलराइट, अभी हम लोग देखने वाले हैं हमारी लास्ट आईडी। और ये जो आईडी है ना ये तो लिटरली भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक आईडी होने वाली है। तो इस आईडी को अगर आप लोग बाहर से देखोगे तो गाइस आपको लग सकता है यार ये तो कोई नॉर्मल सी आईडी है, इस आईडी के अंदर ज्यादा कुछ खास चीज भी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इस आईडी को ओपन करेंगे तो गाइस आप लोग भी एकदम शॉक रहने वाले हो। तो जैसे ही मैं इस आईडी को ओपन करता हूं तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इस आईडी के अंदर है 23 लेवल।
एंड लाइक्स की अगर बात करें तो लाइक्स है यहाँ पर 3000। तो ये चीजें तो नॉर्मल है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं और चलते इस बंदे के बैजेस की ओर, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा गाइस, इस बंदे ने एक सीजन के अंदर फ्री फायर को खेलना स्टार्ट किया था, लेकिन उस सीजन में इस बंदे ने ज्यादा गेम को नहीं खेला। फिर कुछ टाइम बाद इस बंदे ने एक और सीजन के अंदर फ्री फायर को खेलना स्टार्ट करा और इसके अंदर इस बंदे ने 72,000 बैजेस खरीदे। और अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो गाइस, ये 72,000 बैजेस कलेक्ट करने के लिए इस बंदे को ऑलमोस्ट 18 लाख डायमंड लगे होंगे, मतलब कि भाई 18 लाख डायमंड इस बंदे ने एक ऐसी आईडी के अंदर लगा दिए जिसके बाद में इस बंदे ने फ्री फायर को कभी खेला भी नहीं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब मुझे तो नहीं लगता भाई कोई इतना अमीर बंदा होगा जो कि इतने ढेर सारे पैसे गेम के अंदर लगा दे और फिर वो बंदा गेम में वापस भी नहीं आए। बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। और गाइस, ये चीज अभी तक किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार ये बंदा कौन था, ये बंदा गेम में क्यों आया और इतने ढेर सारे बैजेस परचेस करके ये बंदा गायब किधर हो गया। क्योंकि अगर कोई बंदा गेम में इतने पैसे लगाता तो गाइस कम से कम वो बंदा गेम को एक दो साल तो खेलता, लेकिन भाई इस बंदे ने तो गेम को उसी सीजन में क्विट कर दिया। एंड अगर हम लोग इसका ओवरव्यू भी चेक करते हैं तो गाइस यहां पर भी देख सकते हो इस बंदे ने सिर्फ 4 गेम्स खेले सोलो के अंदर एंड स्क्वाड में सिर्फ 10 गेम्स खेले, मतलब कि भाई बंदे ने 20 गेम्स भी नहीं खेले और 18 लाख डायमंड खर्च कर दिए। तो ऐसी आईडी यार मैंने तो फ्री फायर में आज तक नहीं देखी, आप लोग बताना आप लोगों को ये आईडी कैसे लगी। चलो गाइस, आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।